हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मेरे पास एक मैसेज आया था एक इंडियन आर्मी के पर्सनल का। उन्होंने मुझसे पूछा कि वो अपने बेटी को MBBS कराना चाहते हैं, उन्हें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। मैं उन्होंने सारे स्टेप्स बताए और एक एक्स्ट्रा स्टेप बताया, मैंने उन्हें बताया डिफेंस पर्सनल कोटा के बारे में, जिसकी इन्फॉर्मेशन उनके पास थी ही नहीं। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसी सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं और अगर आपको पता ही नहीं कि आपके लिए क्या एडवांटेज बनाए गए हैं जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ आपके लिए ही है, तो ये बहुत गलत बात है। तो मेरी रिक्वेस्ट ऐसे सारे स्टूडेंट्स से है जिनके मम्मी पापा या तो डिफेंस सर्विसेज में है या फिर आपके फ्रेंड्स के मम्मी पापा डिफेंस सर्विसेज में है, ये वीडियो उनके साथ शेयर कर देना ताकि उनके लिए ये जो एक्सक्लूसिव कोटा बना है उसका एडवांटेज वो ले सके। चलिए हम जानते हैं कि सबसे पहले डिफेंस पर्सनल कोटा होता क्या है। डिफेंस पर्सनल कोटा का मतलब यह है कि जो MBBS और BDS में एडमिशन मिलता है, इसमें KSB केंद्रीय सैनिक बोर्ड विडोज एंड वार्ड्स के लिए स्पेशल सीट्स रिजर्व करके रखता है ताकि वो अपना ड्रीम MBBS और BDS का पूरा कर सके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये बहुत सारे डिफेंस पर्सनल्स को नहीं पता होती। अब जब ये चीज़ पता नहीं होती तो बहुत सारी दिक्कत जाती है, तो अगेन हमारी एक हेल्पलाइन है, MBBS एडमिशन हेल्पलाइन, वहाँ पे आप जाओ। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास होगी नहीं तो जो कोटा का एडवांटेज आप ले सकते हो वो आप ले नहीं पाओगे। तो ये QR कोड स्कैन करो, फिल करो अपने डिटेल्स और हमसे और हमारी टीम से बात करो कि कैसे आपके पास जो कोटा है उसका आप एडवांटेज ले सकते हो एक अच्छा कॉलेज पाने में। लेकिन अब हम डिस्कस करते हैं कि एलिजिबल कौन है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई एलिजिबल है, यहाँ पे एक डिटेल डिस्कशन मैं करने वाला हूँ कि एलिजिबल कौन होगा और कौन एलिजिबल नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज़, स्कीम इज़ ओपन फॉर इंडियन नेशनलिस्ट ओनली, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि आप अगर इंडियन डिफेंस सर्विसेज में हैं तो ये इंडियन नेशनल्स के लिए होगी। ओनली वार्ड विडोज वाइव्स ऑफ डिफेंस पर्सनल्स फ्रॉम आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स फ्रॉम Priority 1 to Priority 8। प्रायोरिटी के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन आप देख सकते हो ये एक्सक्लूसिवली है फॉर आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स वार्ड्स विडोज एंड वाइव्स। तीसरी चीज सिलेक्शन। अब सिलेक्शन कैसे होगा? क्या मैं अगर डिफेंस सर्विसेज में मेरे मम्मी पापा हैं तो क्या मेरा सिलेक्शन डायरेक्टली हो जाएगा? नहीं, आपको उसके लिए भी नीट का एग्जाम देना पड़ेगा, नीट का एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा और फिर एक लिस्ट बनेगी जिसमें कट ऑफ होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ऐसा नहीं है कि आपका एडमिशन डायरेक्टली हो जाएगा, आपका एडमिशन भी प्रायोरिटी बेसिस पे होगा, जिसका जितना अच्छा स्कोर होगा उसको उतना अच्छा एडवांटेज मिलेगा। फिर इसमें एक प्रायोरिटी लिस्ट बनती है कि प्रायोरिटी हम किसको देंगे, टॉप प्रायोरिटी किसको देंगे, सेकेंड प्रायोरिटी किसको देंगे, थर्ड प्रायोरिटी किसको देंगे, तो वो भी मैं डिस्कस करूँगा। फिर वार्ड्स ऑफ सिविलियन एंड सिविलियंस वर्किंग फॉर AFHQ MOD DRDO वार्ड्स ऑफ पर्सनल फ्रॉम पैरामिलिट्री CAPF आर नॉट एलिजिबल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि काफ़ी सारे पर्सनल्स को नहीं पता होती कि ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, यहाँ पे ये एलिजिबल नहीं है, मतलब आप अप्लाई ही नहीं कर सकते, आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। फिर द फैसिलिटीज एडमिसिबल ओनली फॉर वन मेंबर फॉर ऑफ द फैमिली इन अ लाइफ टाइम। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपके दो भाई बहन हैं, दो भाई हैं, दो बच्चे हैं, तो उनमें से सिर्फ एक ही बंदा ले सकता है और वो भी सिर्फ एक बार अपनी लाइफ टाइम पे, उसके बाद आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। और वो ऑब्वियसली बात है 17 ईयर्स होना चाहिए, ये तो नीट की गाइडलाइंस ही हैं, तो मिनिमम 17 ईयर्स होना चाहिए जिस ईयर आप एडमिशन लेना चाहते हो, और मैक्सिमम 25 ईयर्स होना चाहिए एज। सन ऑफ अ सर्विसमैन और एक्स सर्विसमैन हु आर मोर देन 25 ईयर्स ऑफ एज आर नॉट एलिजिबल। और अगर बेटी है और उसकी शादी हो गई है और वो डिपेंडेंट नहीं है तो वो भी एलिजिबल नहीं है। तो ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं पता होंगी तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो एलिजिबिलिटी वाला पॉइंट आप एक चाहें तो एक बार वीडियो रिपीट में देखें, क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब इसके बाद आती है एक प्रायोरिटी लिस्ट। अब प्रायोरिटी लिस्ट क्या होती है? प्रायोरिटी लिस्ट का ये मतलब है कि अब डिफेंस पर्सनल्स में भी उन्होंने एक लिस्ट बनाई है कि हम पहली प्रायोरिटी इन्हें देंगे, दूसरी प्रायोरिटी इन्हें देंगे, तीसरी प्रायोरिटी इन्हें देंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल ये है कि उन्होंने डिवाइड किया ABC। अब उन्होंने बोला अगर हमारे पास तीन बच्चे आते हैं ABC तो हम पहला एडमिशन देंगे बी वाले को, दूसरा एडमिशन देंगे हम ए वाले को और सी को हम देंगे तीसरा एडमिशन। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप ये सोच रहे होगे कि प्रायोरिटी लिस्ट है क्या, एग्जैक्टली है क्या, तो अब हम वो डिस्कस करते हैं। तो प्रायोरिटी लिस्ट हमारे पास ये है। अब ये जो पूरी प्रायोरिटी लिस्ट है ये इसमें 9 प्रायोरिटी लिस्ट आपके सामने है। वन का मतलब
पहली प्रेफरेंस इसे इन स्टूडेंट्स को मिलेगी, दूसरी प्रेफरेंस इन्हें मिलेगी, तीसरी प्रेफरेंस इन्हें मिलेगी। तो चलिए हम समझते हैं। पहली प्रेफरेंस है विडोज एंड वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल किल्ड इन एक्शन, मतलब वो सर्व कर रहे थे और वो मारे जाते हैं, किल्ड इन एक्शन। फिर वार्ड्स ऑफ डिसेबल्ड इन एक्शन बोर्डेड आउट ऑफ सर्विस, मतलब आर्मी पर्सनल का जो मतलब आर्मी पर्सनल डिसेबल हुए और सर्विस से आउट हो गए, ये वार्ड है। फिर वार्ड विडो ऑफ डिफेंस पर्सनल हु डाइड वाइल सर्विंग विथ डेट एट्रीब्यूशन टू मिलिट्री सर्विस। फिर फोर्थ प्रायोरिटी आती है वार्ड ऑफ डिसेबल्ड इन सर्विस बोर्डेड आउट ऑफ डिसेबिलिटी एट्रीब्यूट टू मिलिट्री सर्विसेज। फिर आता है वार्ड्स ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड सर्विंग पर्सनल हु आर रिसिपेंट ऑफ गैंट्री अवार्ड्स। अभी काफ़ी सारे अवार्ड्स हैं, मैं ये भी बता दूंगा कि आप इस चीज़ को ऑफिशियली कहाँ से देख सकते हो ताकि आप अपने आप को वेरीफाई कर सको। फिर वार्ड्स ऑफ एक्स सर्विसमैन, फिर वाइव्स ऑफ डिफेंस पर्सनल हु डिसेबल्ड इन एक्शन, फिर डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन एक्शन एंड बोर्डेड आउट ऑफ डिसेबिलिटी एट्रीब्यूशन टू द मिलिट्री सर्विसेज। फिर फाइनली वाइव्स ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड सर्विंग पर्सनल्स हु आर रिसिपेंट ऑफ गैंट्री अवार्ड्स। फिर एट नंबर पे आता है वार्ड्स ऑफ सर्विंग पर्सनल, मतलब अभी आपके मम्मी पापा सर्व कर रहे हैं, अब आपकी प्रायोरिटी एट नंबर पे है और उसके बाद वाइव्स ऑफ सर्विंग पर्सनल्स। तो ये एक प्रायोरिटी लिस्ट है और इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि इसी के बेसिस पे एडमिशन होगा, ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी रैंडम ऑर्डर पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझना पड़ेगा, प्रायोरिटी लिस्ट के बेसिस पर होता क्या है, क्योंकि ये बहुत रेयर होता है तो यहाँ पे कट ऑफ काफ़ी लो भी चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो यूनिक होते हैं। कट ऑफ हाई जाना स्टार्ट होता है एट प्रायोरिटी से, कट ऑफ हाई जाना स्टार्ट होता है एट प्रायोरिटी से। तो चलिए अब हम देखते हैं एक्चुअली में एडमिशन कैसे हुआ था। तो मैं आपको एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ। तो आप आओगे वेबसाइट में online.ksb.gov.in, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो केंद्रीय सैनिक बोर्ड, और आपको ये वेबसाइट दिखेगी। इसकी URL तो यहाँ पे है और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिलवा दूंगा। ये मेंटेन हो रही है डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। अब हमें ये जानना है कि हम ये सारी प्रायोरिटी लिस्ट कैसे देख सकते हैं और एडमिशन किसका कहाँ पे हुआ, ये कैसे हमें पता पड़ेगा। तो आप आओगे इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे और यहाँ पे आप क्लिक करोगे बेनिफिट एंड कंसेशंस पे। बेनिफिट और कंसेशन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऑप्शन राइट हैंड साइड पे आएगा, एडमिशन इनटू MBBS एंड BDS। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, कॉलेजेस। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक न्यू पेज खुलेगा जहाँ पे ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कौन एलिजिबल है, प्रायोरिटी लिस्ट कहाँ पे क्या है, प्रायोरिटी लिस्ट जो कि मैं डिस्कस कर रहा था। और नीचे आप आओगे तो यहाँ पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं कि यस, ये स्पेशल कोटा हमने दिया है। अब अगर मैं बात करूँ एडमिशन्स की तो आप देखोगे एकेडमिक ईयर 2022-2023 में जो एडमिशन्स हुए थे, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ओपन होगा जहाँ पे दिखा रहा है कि जो स्टूडेंट्स एलिजिबल थे किस प्रायोरिटी बेसिस पे उन्हें कौन सा कॉलेज मिला हुआ है। तो आप देख सकते हो प्रायोरिटी नंबर 1 विडोज वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल किल्ड इन एक्शन, आप देख सकते हो उन्हें कॉलेज जो असाइन हुआ है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, नीट की AIR रैंक है 116,993, जो कि बहुत मुश्किल होता है मौलाना आज़ाद अगर कॉलेज की मैं बात करूँ, लेकिन उन्हें मिल गया इस डिफेंस पर्सनल कोटा की बेसिस पे। फिर लेडी हार्डिंगे है SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर राजस्थान, हाई कट ऑफ जाता है, काफ़ी हाई कट ऑफ, ये देखिए आप 4,53,000 रैंक पे मिला हुआ है। प्रायोरिटी लिस्ट नंबर 1 विडोज एंड वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल किल्ड इन एक्शन। फिर आपके पास दूसरी प्रायोरिटी आती है वार्ड्स ऑफ डिसेबल्ड इन एक्शन एंड बोर्डेड आउट ऑफ सर्विस, आप देख सकते हो यहाँ पे जो कट ऑफ जा रहा है 7,25,000 जा रहा है। फिर सेम चीज़ प्रायोरिटी नंबर 3। फिर आप आगे आओगे तो ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में सारी प्रायोरिटी के बेसिस पे आपको दिख रहा है कि एडमिशन किस किस बेसिस पे, किस किस इंस्टीट्यूशन पे, किस रैंक पे मिला हुआ है। तो मेरा जो इस वीडियो को बनाने का कंक्लूजन था वो ये था कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, काफ़ी सारे डिफेंस पर्सनल्स को नहीं पता होता है कि ये स्पेशल कोटा हमारे लिए अवेलेबल है और ये एक्सक्लूसिवली आपके लिए ही है, इसमें कोई सिविलियन इस चीज़ का एडवांटेज नहीं ले सकता। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो।
मेरी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचा देना जिसको इस इन्फॉर्मेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और बाकी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, आप सिर्फ ये QR कोड स्कैन करिए और हमारी टीम से कनेक्ट हो जाइए। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चलना आपका काम है। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.